तो मेरा ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक्तल में आखिरी रुख्सत को आता है तो सारी बीबियाँ एक हलका बना लेती हैं और उनके बीच से मेरा मौला रुख्सत होता है। उन सब के लिए एक वसीयत मेरा मौला हुसैन करता है कि ऐ ज़ैनब, मेरे बाद ये जुल्म सितम तुम्हारे ऊपर होंगे। ये सारी वसीयतें करने के बाद जब मेरा मौला खैमे से बाहर जाता है और घोड़े के ऊपर जब बैठता है तो देखता है क्या है कि घोड़ा कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है। जब देखते हैं तो एक 4 साला बेटी घोड़े के सिमों से लिपटी हुई एक फरियाद कर रही है कि अरे बाबा, जो भी सुबह से मक्तल में गया वो वापस नहीं आया है। बाबा मेरे आप मत जाएं, बाबा न जाइए, न जाइए बाबा, मैं किसके सीने पे सोऊंगी। तसव्वुर के साथ सुनिएगा हज़रात, साहिब औलाद का मजमा है, हर माँ यहाँ बैठी हुई है, जिनकी भी औलाद है 4 साला एक बेटी है तो उसकी मोहब्बत उसके दिल में ज़रूर आएगी। तसव्वुर से सुनिएगा, जनाब सकीना का बहन है, न जाइए बाबा, न जाइए बाबा, हमें तो आपके सीने पे नींद आती है, ये फिक्र और मेरे दिल को खाए जाती है। रहूंगी कैसे बिछड़ कर, न जाइए बाबा, सुखन है सूखे लबों पर, न जाइए सकीना की बारगाह में नोहा पेश कर रहा हूँ। सकीना इस नोहे के जरिए हमारा पुरसा कबूल करें, हम इतनी मसाफत तय करके आए हैं, सुनेंगे हजरात, तसव्वुर करेंगे इंशाल्लाह, बहुत रोएंगे। लाजा फरमाए हजरात, सोहन है सूखे लबों पर, न जाइए बाबा। सुनेंगे हजरात, एक 4 साला यतीमा क्या बयान कर रही है। सोहन है सूखे लबों पर, न जाइए बाबा। सताएंगे ये
सीतमगढ़ न जाइए बाबा। सुने आजाद इंशाअल्लाह मां साहब होंगे यहाँ से एक एक चीज के जरिए मसायब पेश करना मुलाजा फरमाएगा। चचा भी सोए है शाने कटा के दरिया पर, नरन से लौट के आया मेरा अली अकबर। चचा भी सोए है शाले कटा के दरिया पर, नरन से लौट के आया मेरा अली अकबर। सुनिए हजरात क्या बयान करते हैं। तुम्हारे बाद यतीमी की सख्त मंजिल है, दयारे जुल्म में जीना हमारा मुश्किल है। तसव्वुर शर्त है हजरात रोएंगे जरूर। सुन हजरात इंशाल्लाह मसाब होंगे। तसव्वुर शर्त है इतने जुल्म हो इसमें कसम सुकूना होगा माया से न जाई के हजरात साहिबान औलाद के मजमा। सुने हजरात अपने बाबा से एक एक बयान कर रहे हैं बाबा मत जाए। वो कत्ल गाह से आया न जो गया घर से, अमा मिली ना किसी को यहाँ सीतमगढ़ से।
सुनिए हजरात क्या क्या बयान करते जरा मैं सकीना हजरात रोजे आशूरा का मंजर हजरात और क्या क्या बयान है नजर में साहब होंगे हजरात साहिबान औलाद का मजमा है सुनेंगे हजरात भी बंद हजरात इंशाल्लाह बहुत रोएंगे तमाचे गालों पे अहले सितम जो मारेंगे मदद के वास्ते फिर हम किसे पुकारेंगे तमाचे गालों पे अहले सितम जो मारेंगे मदद के वास्ते फिर हम किसे पुकारेंगे मदद के वास्ते फिर हम किसे पुकारेंगे जिसका चाचा हजरत अब्बास है साहब उसकी सदा नबी की आल को कैदी बनाएंगे आदा तरह तरह से सीतम हम पिढ़ाएंगे Engage.
ताजा भी अज़ाद है। जिन लोगों ने भी ज़्यारतें की हैं जावे सकीना के रोज़े की, वहाँ जब आप बैठे तो आज भी बीबी सकीना सदा दे रही है, आज भी सदा दे रही है। हमारी कौम यतीमा का गम मनाती है, सहर सदाए सकीना अभी भी आती है। हमारी कौम यतीमा का गम मनाती है, सहर सदाए सकीना अभी भी जो आज तक पूरी नहीं हुई। मैं देख लूं अभी जी भर न जाइए बाबा, सताएंगे ये सितम घर न जाइए बाबा, अग्निमन गुंजय बासिया बाराबंकी नौ मातम कर रही है। इसके फौरन बाद अंजुमन चम्मय हुसैनी मीरमस्त, उसके बाद अंजुमन कौसरिया रिजवी खां, अंजुमन कौसरिया रिजवी खां के बाद अंजुमन शमशीर हैदी सदर बाड़ा नौ मातम करेगी। अंजुमन चम्मय हुसैनी मीरमस्त के दस्ते से गुजारिश है कि वो इमाम बारगाह में तशरीफ ले आए, उसके फौरन बाद अंजुमन कौसरिया रिजवी खां, अंजुमन कौसरिया रिजवी खां के बाद अंजुमन शमशीर हैदरी सदर मौलाना मातम करेगी। मसरूफ इबादत थी अंजुमन गुंजे अब्बासिया बाराबंकी। जा है
غنچہ باسیا بارابنکی جو فوراً بعد انجمن شمع حسینی میر مست اس کے بعد انجمن کوثریا رضوی خان انجمن کوثریا کے فوراً بعد انجمن شمشیر حیدری صدر امام با نو ہماتم کرے گی مصروف عبادت کی انجمن غنچہ باسیا بارہ بنکی